नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय हार्ट ब्लॉकेज, जिसे आम जनमानस के अंदर एक अलग तरह का भय रहता है, उस विषय पर आज वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। हार्ट ब्लॉकेज एक्चुअली होता क्या है, कितने तरह का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, साथ में एक्यूप्रेशर द्वारा इसकी चिकित्सा भी कैसे की जा सकती है और कैसे इसे बचा जा सकता है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह समय भी बहुत अच्छा है। अच्छा कहने का सेंस ये है कि ठंड के मौसम में इसकी संभावना थोड़ी और अधिक बढ़ जाती है, तो इस समय हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से अत्यधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें वीडियो सुनने के बाद। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें इम्पल्स का चालन में विलंब आता है, इम्पल्स धीरे चलने लगता है, साथ ही हृदय के मध्य टिश्यू का संवहन भी विलंबित होने लगता है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो यह किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु 30 वर्ष से ऊपर के लोगों में यह अधिकतर देखने को मिलता है और व्यक्ति घबराने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हार्ट ब्लॉकेज में घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि गंभीरतापूर्वक इसकी चिकित्सा करने की आवश्यकता है। क्या आपको यह जानकारी है कि हार्ट ब्लॉकेज जैसी डरावनी चिकित्सा का उसका रोग का चिकित्सा एक्यूप्रेशर विधा में है? एक्यूप्रेशर विधा में इस बीमारी की चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली हार्ट ब्लॉकेज दो तरह का होता है, एक जन्मजात, दूसरा एक्वायर्ड हार्ट ब्लॉकेज। अब कैसे होता है, इसका क्या कारण है, ये हम सभी जानते हैं। एक्वायर्ड हार्ट ब्लॉकेज जो कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर, टिश्यू एवं सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मिश्रण धीरे धीरे हमारी कोरोनरी आर्टरीज धमनियों के परत उस पर जमने लगता है। अब उसके जमने से वहाँ चिपक जाता है और वहाँ से जो ब्लड का संचरण होता है उसमें रुकावट आने लगती है, जिसके कारण विभिन्न ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को रक्त की सही आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण उसे ऑक्सीजन की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी कारण हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है। हार्ट में एक्वायर्ड हार्ट ब्लॉकेज भी दो तरह का होता है, एक जब वह मिश्रण धमनियों पर गाढ़ा रूप से चिपक जाता है, सख्त हो जाता है, तो इसे स्टेबल ब्लॉकेज कहते हैं। लेकिन थोड़ा मुलायम अगर परत चिपकती है कोरोनरी आर्टरीज धमनी पर, तो इसे अनस्टेबल ब्लॉक कहते हैं। यह टूटने पर अत्यंत खतरनाक हो जाता है, मांसपेशियां गंभीर रूप से डैमेज हो जाती हैं। कई बार इसके कारण रोगी को अचानक दिल का दौरा भी पड़ जाता है, सडन कार्डियक डेथ का भी लोग शिकार हो जाते हैं। अब इसका लक्षण के बारे में हम लोग जाने, बार बार सिर में दर्द होना, चक्कर आना, थकान महसूस करना, बेहोश हो जाना, छाती में दर्द, सांस का फूलना, ऊपरी पेट, गला, पीठ दर्द होना,
हाथों में पैरों में दर्द होना या सुन्न होना, ठंड लगना, ये सारे इसके लक्षण हैं। इसके प्रबंधन के बारे में भी हम सभी अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करके या क्या अपना करके हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं, ये भी हम सब जानें। सबसे पहले तो हमारा भोजन सादा होना चाहिए, खासकर शाकाहारी होना चाहिए। अनार का जूस का प्रयोग, अंगूर के जूस का प्रयोग, कभी कभी कद्दू के जूस का भी प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही तुलसी पत्ता का काढ़ा का अगर सेवन करते हैं हम लोग तो अत्यंत लाभदायक होता है। काढ़ा बनाने में हम लोग जैसे प्रतिदिन 10 तुलसी का पत्ता, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब मिला करके हम लोग एक काढ़ा बना करके प्रतिदिन इसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी काढ़ा बनाने का वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ, उसे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही एक दाना लहसुन का प्रयोग हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इसके बाद यह सारा प्रबंधन में जो भी मैंने अपने जीवन शैली में भोजन में लाने को कहा, ये हार्ट ब्लॉकेज को खोलने में बहुत मदद करते हैं। अब मैं हार्ट ब्लॉकेज में महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने क्योंकि जीवन में यह बहुत काम आने वाली है। अपने परिवार के साथ साथ दूसरे पड़ोसियों की भी जीवन की रक्षा हम लोग इससे कर सकते हैं। तो चलिए पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले H8C, ये कानी उंगली है। कानी उंगली में 3 फोल्ड है। ये तीसरा फोल्ड के पास ये ब्लैक रंग का जो कलर है, यहाँ यह बिंदु है H8C। दूसरा बिंदु CI8D, ये बीच वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली में सेकंड पोर में अंगूठा के तरफ ये बिंदु CI8D। तीसरी बिंदु हमारे रिंग फिंगर में है OR1B, ये दूसरे पोर में कानी उंगली के तरफ OR1B। और चौथा बिंदु है LY5, ये अंगूठे के तरफ सामने ये बिंदु LY5। और पांचवी बिंदु है वो पैर में है FID1B, जो पैर के बीच वाली उंगली में सेकंड पोर में पीछे की तरफ होता है, चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। इन पांचों बिंदुओं पर इस जिमी से हम लोग 2 मिनट तक इस प्रकार पंपिंग की तरह दबाव देना चाहिए। साथ ही हम लोग इस लेजर पेन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें पावर बढ़ करके जितना पेशेंट को, रोगी को अच्छा लगता हो उतना बढ़ा करके हम लोग को टेंस देना है। इस प्रकार से हर पॉइंट पर 2 मिनट तक हम लोग इसको टेंस देना है। ऐसा करने से हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर बीमारी से एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स और अपने जीवन शैली में भोजन का प्रबंधन को करते हैं तो अत्यंत लाभ मिलेगा और हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्या से हम लोग बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।